आप समझ आए, ये आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन आप जिंदगी में भी रखना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी गुजरती है, जब आपको पता चलता है कि अगर मैं अकेला हूँ या ऊपर अल्लाह है तो मैं करूँगा। तो ये आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन के अब उसके 11-21 जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी, आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन समझ आया क्या जिंदगी अकेले जीने का तरीका, कि दूसरे नहीं कर रहे होंगे अच्छा काम, मैं तब भी वही करूँगा। नंबर वन वो पॉइंट कहता है, वो कहता है देखो अच्छी ज़िंदगी है वरियर वाली ज़िंदगी, वो जी सकता है जो एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज़, हर चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे कि वो है। मिसाल के तौर पे हम अपने दिमाग में कभी कभार मेहनत नहीं करते, सिर्फ दुआ करते हैं, क्योंकि अल्लाह बहुत ज़्यादा क्या है अपने बंदे से मोहब्बत करता है, वो हमारी मदद कर देगा, अपनी मेहनत नहीं होती। ये बस अवकात हम लोग लगाते हैं, लगाते क्या है भाई, अभी अभी तो हमारे पेरेंट्स हैं, अभी तो हमें वो खिला रहे पिला रहे हैं, आपने एक्सेप्ट तो कर लिया उनको, जस्ट द वे इट इज़, उसका वे भी करो कि आज वो कर रहे हैं कल ये आपको भी करना है, भैया आपको भी तो अपने बच्चे के लिए करना होगा ना। तो क्या अगर आप अगर अभी सही काम नहीं करोगे तो ऊपर नहीं जाओगे, मतलब उस लेवल पे नहीं जाओगे अपने वालिद साहब के या फिर जिसको भी आप कामयाब देख रहे हो, जब उसके लेवल पे नहीं जाओगे तो आप अपने बच्चों के लिए कैसे करोगे। अगर आप एक्सेप्ट करोगे कि ये सब हो रहा है तो फिर ही कुछ होगा ना। एक किताब है द पावर ऑफ नाउ, यानी आज के लम्हे की ताकत, उसमें एक जुमला लिखा है कि अगर आप अपने जहन में यूँ सोचते हो कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब खुदा कर तो खुदा रहा है, लेकिन बस वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, मैं भी यही चाहता था, भले आपके साथ बुरा भी हो रहा हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ यही होता है तो आपकी लाइफ मौजजाना तौर पर चेंज हो जाएगी, यानी आपको सोचने का तरीका बदलेगा। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा जा रहा है स्कूल, जैसे हबीबुल्ला जा रहा है, हबीबुल्ला कह रहा है कि भाई पढ़ाई अच्छी नहीं है स्कूल में, मैं क्यों पढ़ूँ, अब तक तो तुम जब नहीं पढ़े थे ट्यूशन, यही होगा दिमाग के अंदर, लेकिन जब तुम एक्सेप्ट करोगे कि भाई स्कूल ही ऐसा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे सही होना क्योंकि मेरी तो लाइफ अलग है, मतलब अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो स्कूल को कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, एक्सेप्ट कर दिया थिंग को, जैसी है वैसी देखा उसको, ओवर या बेकार या कोई कमतर नहीं समझा। फिर बस अवकात क्या होता है, हम किसी को ऐसे को जो हमसे बहुत अपर लेवल का होता है, लेवल का मतलब ये कि इज्जत में बड़ा होता है, ऑनर में, उम्र में जो भी, या ओहदे में, उसको हम वो समझ ही नहीं रहे होते, हमारी मैं इतनी बड़ी होती है, हम बोलते हैं नहीं हम उसको नहीं समझ रहे होते, भाई समझो जिसकी जो चीज़ है उसको वैसे ही समझना है। तो पहला पॉइंट क्या, एक्सेप्ट द थिंग जस्ट द वे इट इज़, हर चीज़ को वैसे ही जानो जैसी के वो है, ना उसको बढ़ा चढ़ा के अपने जहन में बनाओ मुश्किल को, सही है ना। अब जैसे सेकंड ईयर तुम बोलो ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है भाई, जब समझाई तो बेंजीन समझ आया ना, अब वो तो तुम नहीं कर रहे तो मुश्किल है, क्या ख्याल है वेस, हाँ तुम कर रहे हो तो आसान हो गई। तो एक्सेप्ट है आसान, लंबी बोल तुम्हें चाहिए थी, तुम बोलते सर लंबा कोर्स है, आसान है, जब समझ में आ गया तो समझ आसान है, तुम भी यही बोलो सर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा है, पढ़ रहा हूँ, लंबा बहुत है लेकिन आसान है, मुश्किल तो नहीं, ये क्यों, ये सवाल क्यों आ रहा है मुश्किल है, तो मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी चीज़ों को, एक्सेप्ट करना है चीज़ों को। अगला चीज़ है डू नॉट सीक प्लेयर फॉर इट्स ओन सेक, वो कहता है कि मज़े के लिए सिर्फ मज़ा नहीं करो, क्या नहीं करो, हाँ मिसाल के तौर हम मोबाइल देख रहे हैं तो भी मज़े के लिए थोड़ा सा मज़ा, किसी को चूंटी काटी, किसी को छेड़ा, किसी को वो क्या, ये भी मज़े के लिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो अपनी ज़िंदगी उनकी भले बर्बाद हो रही है, वो कहते हैं हमारी जो भी हमें फ़र्क नहीं हो, दूसरे की अच्छी ना हो, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के मज़ा, चुगली और ये झूठ और ये सब चीज़ें क्या है, वक्ती मज़े ना। वो कहते हैं अगर वरियर बनना है ज़िंदगी के अंदर फिर वक्ती मज़ों में नहीं जाओ, ये जो मैंने अभी समोसे खिलाए ये यकीन मानो ये वक्ती मज़ा के लिए नहीं खिलाए, कि आपको मैंने रियलाइज़ कराया कि जब आप कुछ सीख के कुछ चीज़ें, आप समोसा खा अगर बाद में खिलाता, बाद में खिलाना चाहिए था, जब सीख के खाते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि आपने सिर्फ मज़े के लिए मज़ा नहीं किया, आपने सीखने के लिए मज़ा किया। इसीलिए जो है ना हम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, हमारे जहन में पढ़ाई का क्या आया हुआ है कि पढ़ाई करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, हम कुछ करेंगे तो हम सिर्फ मज़े के लिए मज़ा नहीं करेंगे, हम लोग दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मज़ा करेंगे। अगर हम ये लाएंगे तो हमारी ये बिलीफ दूसरी सोच हट जाएगी ना, डू नॉट सीक प्लेयर फॉर इट्स ओन सेक, मज़े के लिए मज़ा नहीं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ेंगे, मसलन मोबाइल डिस्ट्रैक्शन और जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह हैं उनको छोड़ेंगे, दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, डोंट डिपेंड ऑन पार्शल फीलिंग्स। अब देखो वो तो मियाँ मोटो मुसाशी तो क्या था, वरियर था ना, सारी ज़िंदगी उसने जंगे की, अब मुझे बताओ अगर कोई उसको इमोशनली ब्लैकमेल करता, वो पार्शल फीलिंग में फंस जाता तो वो क्या जंग कर सकता था कभी। तो वो कहते जो वरियर होते हैं ना ज़िंदगी के अंदर, जिसको ज़िंदगी का वरियर बनना है, जिसको बड़ी बड़ी जंगें करनी, कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी के अंदर, बड़ा आदमी बनना है,
उसको पार्शल फीलिंग में नहीं आना चाहिए, मतलब उसको ये नहीं आना चाहिए कि क्योंकि अब इस टाइम भाई ये कि हालात नाजुक हैं तो चलो दूसरों की मान लेते हैं, हालात क्या है नाजुक है तो चलो दूसरों की, वो कहता है पार्शल फीलिंग में नहीं फंसना है, ये तीसरा है, यानी कि एंड गोल को देख के उसके मुताबिक जो है ना फैसले करने, ऐसा नहीं कि देखो ना लोग लालच में फंस जाते हैं ना, एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, वो है अमीरी के ऊपर बनने की, उसमें जो है ना उसका जो मालिक है ना वो आज भी बिलीनियर है रॉबर्ट कियोसाकी, उसने ना एक बताई, उसने कहा पता है लोग अमीर क्यों नहीं हो पाते, दो वजह से, एक तो खौफ होता है वो तो सबको समझ आती खौफ, दूसरी पता है वजह क्या है, लालच, जब बंदे के आ रहा होता तो फिर वो लालच करता है, लालच करता है तो फिर वो मुँह घी खाता है, पहले डर नहीं हो, पहले डर मार रहा था, जब डर ख़त्म करता है तो फिर लालच आ जाती है, तो अगर ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी ना, डर भी और लालच भी, तो फिर बंदा अमीर हो सकता है। तो क्या है वो कह रहा है पार्शल फीलिंग में नहीं, जब लालच ही आ रही है तो लालच की फीलिंग को छोड़ो, सही है ना, पार्शल फीलिंग में। चौथा क्या है, बी डिटेच फ्रॉम डिज़ायर योर होल लाइफ, नहीं ये चौथा नहीं, ये चौथा ये, थिंक लाइटली योर सेल्फ एंड डीपली वर्ल्ड, ये पॉइंट बड़े मज़े का है। वो कहते हैं हम लोग अपने बारे में ही सोचते हैं सारी ज़िंदगी, सोचते हैं या नहीं सोचते, सच बताना, अपने बारे में वह सोचते हैं, हमारा भला हो बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, वो एक क्या एक जुमला था, एक जुमला भी है ना, हाँ अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये किसी फिल्म का मेरे ख्याल में जुमला है ना, हाँ सब कुछ याद है भाई, अपना भले के लिए इसने फिल्म भी देख ली दुनिया का नहीं सोचा इसने, मैंने नहीं खैर देखी, खैर बता रहा हूँ ये जुमला याद है बहरहाल। अब देखो हम सारी ज़िंदगी अपने बारे में सोचते हैं, इवन मैं आपको बताऊँ हमारी जो दुआ भी होती है ना क्या होती है, ज़्यादा दुआ क्या होती है, मेरा ही हो जाए, मेरा ही हो जाए, और इससे बढ़ जाएगी तो भाई का हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगी तो फैमिली का हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान का भी, वो भी लोग तुक्के पे बोल दें तो बोल दें ज़्यादा, हाँ ज़्यादा कि कज़न का हो जाएगा, उम्मत का किसी का नहीं होगा, उम्मत या फिर पूरी इंसानियत का किसी का भी नहीं होगा कि पूरी इंसानियत अल्लाह करे जन्नत में जाए, ये कोई कोई भी नहीं मांगता होगा, कोई बहुत नेक हो तो मांगता होगा, ऑर्डिनरी लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है और ऐसे ही अगर सोचो किसी बंदे, तुम देखो किसी शख्स ने अमीर होना है मिसाल के तौर पे, अगर वो दुनिया के ये अगर वो ये सोचेगा ना कि मैं दुनिया को ऐसा क्या दूँ जो दुनिया को चाहिए इस टाइम, मिसाल के तौर पर ये स्टीव जॉब ने मोबाइल दिया ना, उसने ये सोचा कि भाई दुनिया के अंदर ऐसा फ़ोन होना चाहिए ना जिसके अंदर सारे काम इधर से ही हो जाएँ, टच मोबाइल वाला, उसने ये दुनिया के बारे में सोचा कि मैं इनको दूंगा, मैं इनकी लाइफ बेहतर करूंगा, वो अमीर हो गया। अगर वो ये सोचता कि भाई मैं ऐसा फ़ोन बनाऊंगा, मैं अपने पास ही रखूंगा, ये मेरे पास दुनिया में सबसे सबसे बेहतरीन इंसान मैं हूँगा, मैं क्या अकेले टच मोबाइल का क्या करता किसको फ़ोन करता क्या करता, कैमरा अकेले रहता तो कब तक उसको लेके वो करता कैमरा दिखाता दुनिया वाले देखो, उसको तो पहली बात है कोई मतलब उसके छीना छपटी करता कोई, जाहिर सी बात है। लेकिन उसे क्या सोचा कि एक नहीं बनाओ, इतने बनाओ कि सबको दो, जैसे ही उसने दिया उसको प्रॉफिट मिल गया। तो वो कहता है मियाँ मोटो मुसाची के वो लोग वरियर बनते कामयाब होते जो अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मैं इसकी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। समझ आई ये वाला पॉइंट समी, ये कितने चौथा पांचवा क्या है, बी डिटेच्ड, डिटेच का मतलब होता है अटैच नहीं रहना, अटैच से अलग अलग रहना, फ्रॉम डिज़ायर योर होल लाइफ। वो कहता है ख्वाहिशात कम से कम होनी चाहिए। अब आप एक बार सोचो हमें जो टेंशन होती है जब कभी भी, हमारी सारी टेंशनें किसकी वजह से, हमारी ख्वाहिशात की वजह से, ज़रूरतों की वजह से नहीं है, ज़रूरतें तो सारी पूरी हुई हैं सबकी, और फिर अल्लाह ने कुरान में बोला है कि रिस्क मैं दूंगा, रिस्क मैं खिलाऊंगा, ज़रूरतें तो हो रही है ना भाई, कोई भी ऐसा तो नहीं आप लोगों में से या मेरे में से या बाहर का कोई बंदा जिसके जिस्म पे कपड़े ही ना हो, वहाँ अगर ऐसा कोई देखोगे ना जो भिखारी जिसके कुछ भी नहीं है, वो खुद उसमें रहना वो पसंद कर रहा है क्योंकि उसने नशा किया हुआ है, उसको ऐसी हालत में रहना पसंद आता है, ऐसे किसी के पास नहीं होगा। और ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा, ये मांगने वाले जितने भी ना, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसको खाने को कभी कुछ मिलता ही नहीं है, नहीं होता है उनके पास, वो आदत बन चुकी है। और हम लोग भी जो टेंशन लेते हैं ज़िंदगी में हमारी सारी सारी ख्वाहिशात की वजह से कि मेरे पास ये भी आ जाए वो भी आ जाए, फिर अजीज़ का मफहूम है कि ख्वाहिशात इंसान की तब तक नहीं भरती जब तक कब्र की मिट्टी जाके उसका मुँह भरती है, मतलब उसको एक वादी मिले ना सोने की तो वो कहेगा मुझे दूसरी की भी मिले, उस पर खुश नहीं होगा वो। तो वो कहता है कि डिज़ायर की चक्कर में नहीं पसंद, होल लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी डिटैच रहो, अटैच मत हो डिज़ायर से, अपने आप को अटैच मत करो, गोल से कर सकते हैं, गोल अलग चीज़ है, ख्वाहिश अलग चीज़ है, मकसद मकसद और ख्वाहिश अलग चीज़ है, मकसद से अटैच कर सकते हो। मसलन आपका ये मकसद हो भाई मैं पढ़ूँ, मैं कुछ करूँ, मैं बड़ा आदमी बनूँ, लोगों की लाइफ में बेहतर बनूँ, जैसे इलॉन मस्क के इस टाइम वो मकसद से चल रहा है, ये तो अटैच उसने सही किया हुआ है,
लेकिन अगर वो ख्वाहिशात से अटैच करेगा कि भाई मैं इसलिए अमीर हो जाऊँ, मास लोगों को इसलिए लेके जाऊँ कि मैं उनका फ़ायदा उठाऊँ, ख्वाहिश फिर मैं उससे ये ख़रीदूँ, फिर मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, अगर ये ख्वाहिशें वो करेगा ना तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो ये उसका पाँचवा पॉइंट है कि ख्वाहिश से नहीं मकसद से अटैच हो जाओ। अगला उसका पॉइंट है डोंट रिग्रेट व्हाट यू हैव डन, ये भी उसका अच्छा पॉइंट कि पछतावे की कैद में कभी भी नहीं फंसना। देखो हम इंसान हैं ना, मुझे एक बात बताओ, हम लोग क्या ऐसा हो सकता है कि कभी दिन की बात करो, ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, दिन में कोई एक गुनाह भी ना करें, ऐसा हो सकता है? कितना ही नेक इंसान हो उससे कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर वो ये सोचे मुझसे क्यों होगा, मुझसे क्यों होगा, क्यों होगा, अगर वो ये सोचता रहे क्यों मुझसे ऐसा हो गया था या पास में मैंने ऐसा क्यों किया या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, अगर वो ये सोचता रहेगा तो मुझे बताओ वो आज को बेहतर बना सकता है? नहीं। अगर आज बेहतर नहीं होगा तो क्या कल आने वाला बेहतर होगा? फ्यूचर भी गया, प्रेजेंट भी गया। तो वो मियो मीटो मुसाजी कहते हैं जो लोग रिग्रेट करते हैं ना, वो लोग कि ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा कर दिया, तो वो पास में फंस के रह जाते हैं माजी के अंदर। तो जो माजी में होगा वो कैसे कामयाब होगा मुझे बताओ, वो तो नहीं हो सकता। तो ये उसका छठा पॉइंट है, पछतावा कभी भी नहीं करना, जो हुआ है सीख कर आगे बढ़ना है। सातवां उसका है नेवर बी जेलस, कभी भी ज़िंदगी में हसद नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में क्या नहीं करनी चाहिए? हसद। और मेरे ख्याल में ये सबसे मुश्किल पॉइंट है ना, हर बंदा हसद कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है,